हमने नाइट्रोजन फैमिली के बारे में देखा, जिनकी जो अवस्थाएं हैं वह या गैस स्टेट में है या सॉलिड स्टेट में है, इनकी परमाणुता के बारे में पढ़ा। अब हम इनके परमाणु आकार के बारे में वर्ग 15 या नाइट्रोजन फैमिली में ऊपर से नीचे जाने पर नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी परस्पर ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। आपको पता है नाइट्रोजन फैमिली में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। अब यह चीज इसमें इंपॉर्टेंट है कि यहां पे जो चीजें लिखी गई हैं, ये जितने भी इनके प्रॉपर्टीज हैं वह इस पर डिपेंड करते हैं। कैसे? जैसे कि आयनन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इनका घनत्व, इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट और इसकी रिएक्टिविटी, क्रियाशीलता, रिएक्टिविटी को कहते हैं क्रियाशीलता। अब मैं आपको कहूं कि परमाणु का आकार बढ़ता है इसलिए आयनन एंथैल्पी ऊपर से नीचे जाने पर क्रमशः घटती है। उसके पहले हमको आयनन एंथैल्पी किसको कहते हैं वो बात पता होनी चाहिए। आयनन एंथैल्पी किसको कहा जाता है? किसी परमाणु के अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा आयनन एंथैल्पी या आयनन ऊर्जा कहलाती है। इसको लिखने से पहले हमको आयनन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी की परिभाषा लिखनी होगी। पहले लिख रहे हैं आयनन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी की परिभाषा। जैसा कि आपको बताया है कि परमाणु आकार और आयनन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी इसको प्रभावित करते हैं। आयनन एंथैल्पी क्या है उसकी परिभाषा थोड़ा देख लें। किसी परमाणु के अंतिम कोष में एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी कहलाती है। इसी परमाणु के अंतिम कोष में एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी कही जाती है। जिसे EI द्वारा प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी किसको कहते हैं? किसी परमाणु के अंतिम कोष में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए आवश्यक उत्सर्जित ऊर्जा इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहलाती है।
बोलूं, पुनः इसको देख लें, किसी परमाणु के अंतिम कोष में एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा आयरन एंथैल्पी या आयरन ऊर्जा कहलाती है। इलेक्ट्रॉन मुक्ति एंथैल्पी किसी परमाणु के अंतिम कोष में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए आवश्यक सर्जित ऊर्जा इलेक्ट्रॉन शक्ति एंथैल्पी कहलाती है। आप इसको नोट कर लें ताकि इसको आगे बता सकें। परमाणु आकार ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में वृद्धि होती है या परमाणु का आकार बढ़ता है, जिसे हम इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। पहले परमाणु का आकार इतना होता है, उसके बाद वो धीरे धीरे बढ़ता है। अब इस चीज को समझने के लिए पहला नाइट्रोजन को याद करें, पहला तत्व है नाइट्रोजन है, वो गैसीय स्टेट में है, इसमें स्वाभाविक है वो आकार छोटा होगा, जबकि अंतिम बिस्मथ है वो सॉलिड स्टेट में है, स्वाभाविक उसका कण बड़ा। अब परमाणु आकार से यह चीज कैसे मैच होगी कि आयन एंथैल्पी नाइट्रोजन परिवार में ऊपर से नीचे जाने पर उसकी आयन एंथैल्पी में कमी आती है। क्या लिखेंगे? ऊपर से नीचे जाने पर, नीचे आने पर आयन एंथैल्पी में कमी आती है। आयन एंथैल्पी में कमी आती है। इलेक्ट्रॉन वृद्धि एंथैल्पी ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन वृद्धि एंथैल्पी में भी कमी आती है। यहाँ पे लिखेंगे ऊपर से नीचे जाने पर, नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन वृद्धि एंथैल्पी कमी आती है। ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकेंड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट, डेंसिटी घनत्व जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते हैं वैसे वैसे घनत्व बढ़ता है। यानी कि घनत्व बढ़ता है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे, गलना और पिघलना यह भी ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। और रिएक्टिविटी की बात करें, क्रियाशीलता, क्रियाशीलता ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है। रिएक्टिविटी कैसे शो होनी चाहिए? कि नाइट्रोजन आपस में
इसमें दोनों परमाणुओं के बीच पाई बंध बनता है जिसे तोड़ना संभव नहीं है, जिसे जल्दी से नहीं तोड़ सकते हैं, टूटता जल्दी नहीं है, उसके कारण इसके रिएक्टिविटी सबसे लास्ट तक शो। एकमात्र कारण आपको ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में क्रियाबंध बनता है, उसमें पाईबंध मौजूद होता है, इसलिए बाकी तत्व तो टूटते हैं जल्दी से, लेकिन नाइट्रोजन सबसे अंतिम में टूटेगा। इस वजह से नाइट्रोजन को अंतिम स्थान पर रिएक्टिविटी में शो किया जाता है। गौर करें इसको, नाइट्रोजन फैमिली की सारणी पढ़ने के बाद अक्सर परीक्षा में एक प्रश्न पूछा गया है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड के हिसाब से, कि वर्ग 15 के तत्वों में N से P तक आयनिक त्रिज्या के मान में वृद्धि होती है, लेकिन SP और PI में यह मान कम क्यों होता है? ऐसा प्रश्न जब आए इसका आंसर किस प्रकार से दें? तो देखें, SP व PI में D व F कक्षकों के इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण परिरक्षण प्रभाव कम पड़ता है या कम होता है, कम हो जाता है। SP व PI में D व F कक्षकों के इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण परिरक्षण प्रभाव कम होता है, जिससे नाभिकीय आकर्षण गया है।